When we talked about the diagnostic criteria, we know we are talking about the diagnostic criteria given by DSM-5. तो DSM-5 का जब हम क्राइटेरिया देखते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर का क्या है, तो देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन विच नंबर वन इज कि जो आप बच्चे का बिहेवियर है जिसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर में कहते हैं, दैट इज़ रेपिटेटिव एंड परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर राइट्स ऑफ अदर और एज अप्रोप्रिएट सोसाइटल नॉर्म्स और रूल्स जो हैं वो वायलेटेड होंगे. ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि DSM-5 15 सिम्टम्स आपको देता है. अगर आप यहाँ से देखो नंबर वन टिल नंबर 15, हियर वी गो, तो इनमें से एटलीस्ट 3 जो हैं वो बच्चे के अंदर एग्जिबिट होनी चाहिए. और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, पास्ट 12 मंथ के अंदर 15 में से 3 सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर एग्जिबिट होनी चाहिए. और एटलीस्ट 1 जो है क्राइटेरिया वो पास्ट 6 मंथ के अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है. तो आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाली कि कितनी सिम्टम्स और कितना ड्यूरेशन जो है वो बच्चे के अंदर आएगा परसिस्टेंट एग्रेसिव बिहेवियर का, तो उस वक़्त आप उसको कहेंगे कि इसे कंडक्ट डिसऑर्डर है. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने डायग्नोसिस करना है तो उसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर ऑफ सिम्टम्स कितने एग्जिबिट हों और टाइम ड्यूरेशन. अगर टाइम ड्यूरेशन फुलफिल नहीं होता तो फिर हम उसे डायग्नोस नहीं कर सकते क्योंकि वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करेगा. सो अब जो DSM-5 है वो इन 15 सिम्टम्स की जो ये ऊपर बात कर रहा है, 15 का जो क्राइटेरिया वो दे रहा है, उसको उसने 4 ब्रॉडर जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर डिवाइड कर दिया है. नंबर वन क्या है कि एग्रेशन टूवर्ड्स द पीपल एंड एनिमल. सेकेंड क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. थर्ड क्या है, डिसीटफुलनेस और थ्रेफ्ट. और फोर्थ क्या है, सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स. अब हम वन बाय वन देखते हैं कि जब एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल है उसके अंदर कौन सी 7 सिम्टम्स जो हैं वो बताता है आपको DSM-5, जिसमें नंबर वन क्या है, बुली करना, थ्रेट करना और इंटीमेट अदर्स होना. जब हम ये कहते हैं कि वो बुली करता है, थ्रेट करता है या इंटीमेट्स अदर होता है, तो इंटीमेट्स अदर का क्या मतलब है कि अपने बेनिफिट के लिए ही विल ट्राई टू मैनिपुलेट अदर पीपल. तो ये चीज़ें जो हैं वो उस शख्स के अंदर मौजूद होती हैं. इसी तरह वो फिजिकल फाइट जो है उनको इनिशिएट करता है, वेपन यूज़ कर सकता है जिससे सीरियस हार्म्स जो हैं वो दूसरे शख्स को हो सकते हैं, जिसमें वो हो सकता है बैट से हिट कर दे किसी को, या वो बॉटल जो ब्रोकन बॉटल होती है वो किसी के सर के ऊपर मार दे, नाइफ का यूज़ कर ले या गन का यूज़ कर ले. ई कैन डू एनी थिंग, समटाइम ब्रिक्स भी जो है वो यूज़ की जा सकती हैं या हो जाती हैं. इसी तरह फिजिकली क्रूअल होता है टूवर्ड्स अदर पीपल, फिजिकली क्रूअल होता है टूवर्ड्स एनिमल, यानी एनिमल्स को हार्म करने की कोशिश जो है वो करता है या वो समटाइम कर भी देता है. जैसे किसी चूजे का एकदम से गर्दन को मरोड़ देना, या किसी बिल्ली को बहुत बुरी तरह पत्थर से हिट कर देना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस किस्म की जो बच्चे होते हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं वो शो करते हैं. इसी तरह किसी भी शख्स को देखे तो वो समटाइम ये भी हो सकता है कि जैसे स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकता है. इसी तरह किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी में फिजिकली जो है वो फोर्स करना कि वो उसके साथ एंगेज हो, इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो एग्जिबिट करता है. उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें वो इंटेंशनली फायर सेटिंग करता है. द थिंग इज विच यू नीड टू बी रिमेंबर कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर जो बच्चा है वो डेलिबरेटली फायर सेटिंग करेगा. वो इसलिए फायर सेटिंग नहीं करेगा कि उसे कोई इम्पल्स आएगी, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू सेट द फायर. नहीं, वो इसलिए फायर सेट करेगा क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ये डेलिबरेट एक्ट होता है उसका. ठीक है, इसी तरह वो दूसरों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है अदर देन फायर सेटिंग, जिस तरह किसी की विंडो तोड़ देना, किसी के घर के जो प्लांट्स हैं उनको ख़राब कर देना, इस किस्म के जो बिहेवियर हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में वो एग्जिबिट करता है. इसी तरह डिसीटफुलनेस और थेफ्ट की बात होती है,
उसमें हम क्या करते हैं कि वो आमतौर पर समवंस एल्स हाउस, बिल्डिंग और कार जो है उनको वो तोड़ सकता है या उनको वो चोरी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह वो ऐसे झूठ बोलेगा दूसरों से फेवर लेने के लिए जो कि बेसिकली किसी दूसरे का नुकसान कर देंगे, तो इस किस्म का बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट कर सकता है। इसी तरह शॉप लिफ्टिंग का जो बिहेवियर है वो उसके अंदर आ सकता है, जिस तरह रात के वक्त एकदम से किसी शॉप के अंदर एंटर होना, ब्रेक इन करना और उसके बाद वहाँ से चीज़ें वगैरह जो है वो चोरी कर लेना। तो इस किस्म का जो बिहेवियर है वो इस तरह के बच्चों के अंदर यूजुअली डेवलप होता है। इसी तरह सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स जो हैं वो इन बच्चों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि जैसे पेरेंट्स ने अगर प्रोहिबिट किया है बच्चों को कि उन्होंने रात को बाहर घर से नहीं रहना, तो वो ये बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे, वो घर से बाहर रहेंगे। और ये ऐसा बिहेवियर आमतौर पर एज 13 से पहले ही एग्जिबिट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह वो घरों से ओवरनाइट के लिए भी भाग सकते हैं एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, जबकि वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हों या किसी और, मतलब जैसा कोई केयर टेकर है वो उसके साथ रह रहे हों, और उस सिचुएशन में वो कम अज़ कम 2 रातें जो हैं वो घर से बाहर रहे हों। इसी तरह जो स्कूल है वहाँ से वो रन अवे हुए हों, यानी स्कूल गए हैं लेकिन एक्चुअली वो स्कूल नहीं पहुँचे बल्कि वो कहीं और चले गए हैं, और इस किस्म का बिहेवियर भी एज 13 से पहले जो है वो एग्जिबिट हुआ हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह ये जो 4 एरियाज हैं इनके अंदर बच्चा जो है अपना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। और देन हमें पता है कि जो ब्री क्राइटेरिया होता है इन सब चीज़ों की वजह से उसकी सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। और अगर बच्चे की एज 18 साल से लेस है तो हम उसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहेंगे, अगर वो 18 से एडल्ट है तो फिर हम उसके इस किस्म के बिहेवियर को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर क्लासिफाई करेंगे।